नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां छोटी सी बात को लेकर दबंगों के द्वारा पिटाई किए जाने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, जबकि घटनाक्रम में दो अन्य लोग घायल हो गए। गाँव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पूरे गाँव को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है। पूरा मामला मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के महादेवपुर गांव का है, जहां मंगलवार की सुबह घाट देखने से मना करने पर कुछ दबंगों के द्वारा वृद्ध महिला की पिटाई कर दी गई। बीच बचाव करने पहुंचे महिला के एक बेटे व बेटी को दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित के परिजनों ने आनन फानन में मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को देते हुए घायल वृद्ध महिला को उपचार हेतु राजकीय महिला प्रश्नोत्तर केंद्र ले गए, जहाँ चिकित्सकों के द्वारा स्थिति नाजुक देख प्राथमिक उपचार कर ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, जहाँ उपचार के दौरान वृद्ध महिला ने दम तोड़ दिया। पीड़ित के परिजनों ने विजयी, रामकिशन, रामकरण, गोपाल, कमलेश, गुरुचरण व मंदन के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई है, जहां पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य चार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। गांव की तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए गांव में कई टुकड़ियों में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित रह सके। मेरी माँ गई थी खेत पर और कुन भी लोग पालक जैसे अपने खेत में काट के हमारे खेत में फेंक रहे थे। मेरी माँ बोली कि थोड़ा नाली में फेंक दो, तो वो लोग नहीं फेंका, गाली गलौज करने लगे। मेरे माँ को बाहर पकड़ के पेट पे मारा, एक लात मारा तो मेरी मम्मी कही क्यों मारो ऐसे से, झगड़ा कर लिए। मेरी मम्मी सब वहाँ समझौता हो गया कि चलो घर। और मम्मी मेरी आ रही थी वहाँ पर, थाना पर जा रही थी, लोग पीछे से डंडा लिया कर कुदाल से मारे मेरी मम्मी के सर पर। गिरने के बाद मेरी मम्मी बेहोश हो गई। उसके बाद में हम लोग टेम्पो से लाद के ले गए हॉस्पिटल में मुगलसराय, वहाँ से मेडिकल करा के भैया के बेचू भेजने भेजा। हम लोग शाम को गए हैं, शाम में मेरी माँ का इंतकाल हो गया।